हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ansh Beta. Happy birthday to you. कोई है? सर, आपका केक। केक? जी। पर मैंने तो कोई केक ऑर्डर ही नहीं किया। पर डिलीवरी एड्रेस तो यही का है सर। लीजिए सर। अरे आंटी जी, पैरी पोना, तुसी इत्थे? मारा बेटा, बहू और पोता कहाँ से? वो तो कल आपके पास जजरी गए थे। पर वो तो वहाँ पहुँचे नहीं, और कल से अलका और पुलकित का फोन भी बंद से। क्या? और हंसिका? अलका परजाई ने बताया था कि वो तो सीधा गांव पहुँचने वाली थी। उसकी तो ट्रेन छूट गई थी, उसका फोन आया था, अब वो हवाई जहाज थे आ रही से। तो ये किधर गए? पुलकित, ओ पुलकित पा, आ अलका पर जाई। आंटी जी, एसी तो चल रहा है, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ओ जग्गी, ओ चाबी वाले नु बुला। आइए सर, आइए आइए। एसी ऑन है, मिनिमम टेम्परेचर पे। शायद डेड बॉडी से आने वाली बदबू को ज्यादा से ज्यादा देर तक डिले करने के लिए। सर, घर में किसी तरह का कुक फूड नहीं है, और देखकर लग नहीं रहा कि लूट या चोरी हुई हो, और सर कहीं भी किसी भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। सर, फैमिली के पास एक कार भी थी, लेकिन गायब है। ये सब कुछ वेल प्लान लग रहा है। फॉरेंसिक को बुलवाओ, घर के बाहर घर के अंदर सब कुछ अच्छी तरह से स्कैन करो। आपका बेटा और बहू आपके पोते का बर्थडे मनाने के लिए झज्जर जाने वाले थे, यहाँ पे कौन आया होगा जिसने उन दोनों को जहर दे दिया? किसी पे शक है आपको? आंटी जी, बहुत सदमे में सर जी, ये सब कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलकित काम क्या करता था? जी, वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। और उसकी बीवी? वो तो हाउसवाइफ थी सर। दादी, नहीं जा सकते आप अंदर। कैसे हुआ ये? दादी, इनके घर में तो सीसीटीवी है नहीं, देखो कहीं आसपास सीसीटीवी है तो चेक करो। मैंने तो सोचा था कि अंश के बर्थडे पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन अंश का बर्थडे तो कल था ना। मैं कल ही आने वाली थी, मेरी ट्रेन छूट गई।
कल से मम्मी पापा फोन ही नहीं उठा रहे, इसलिए आज सुबह ही फ्लाइट से आई। काम क्या करती हो तुम मम्मी में? सर मैं एक फैशन डिजाइनर के अंडर काम करती। सर पुलकित के घर से 700 मीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें उसकी कार कैप्चर हुई है। ये देखिए 6 अगस्त का फुटेज है सर, रात में 2 बजे कार पास हुई है। और 5 अगस्त को अंश का बर्थडे था जिस दिन सुबह ये सब लोग झज्जर जाने वाले थे, और तकरीबन 15-16 घंटे के बाद इनकी कार चोरी की गई। आखिर उन 15-16 घंटों में उस घर में ऐसा क्या हुआ था? हम आगे की फुटेज चेक कर रहे हैं सर ताकि पुलकित की कार को ट्रैक कर सके। और फैमिली के सीडीआर आ गए? सर वो आते ही होंगे। सर अलका और पुलकित के फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, सो साइबर टीम लगी उसे क्रैक करने में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मंगवाओ। ये मर्डर बहुत सफाई से हुआ है इसलिए कॉज ऑफ डेथ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुलकित की मां बेटी ने तो किसी पे शक नहीं जताया, लेकिन हमें इस फैमिली के बारे में सब कुछ जानना है। खुश थे हमारे बच्चे, एक ही झटके में सब खत्म हो गया। मुझे फोन मत करो प्लीज। रे सुन, जो प्लीज ब्लूज है ना मोते मत करे। यो बता पैसे कैसे देगी? रे 20 लाख को अरेंजमेंट करना तैने। अरे एक बिजनेसमैन तेरे साथ के 10,000 रुपए देने को तैयार है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि तीनों की मौत जहर कंज्यूम करने की वजह से हुई है। दरअसल इन लोगों ने जो केक खाया था उसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ है। वेरामैक्सिन पेस्टिसाइड, ये तो कीटनाशक है जो फसलों पे छिड़का जाता है फसलों को कीटों से बचाने के लिए। राइट सर। सर हमें पुलकित के घर के पीछे एक गार्बेज बैग मिला था। सर उस गार्बेज बैग में ही केक का बॉक्स और बेस मिला था। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि उस केक में ही वेरामैक्सिन था जिसे फैमिली ने कंज्यूम किया। सर इस केक के बॉक्स पे तो कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। और सर घर में ऐसा कोई पेस्टिसाइड भी नहीं मिला तो केक में पेस्टिसाइड मिलाएगा कौन? ये पेस्टिसाइड सिर्फ ऑथराइज्ड शॉप्स में ही मिलता है और केवल फार्मर्स को ही बेचा जाता है। पता करो क्या फैमिली ऐसे किसी इंसान को जानती है जो फार्मर हो। और ये भी पता करो ये केक जिसमें ये वेरामैक्सिन पेस्टिसाइड मिला हुआ था ये उस घर तक पहुंचा कैसे? सर हाँ मैडम जी, आज के बर्थडे वाले दिन एक लड़का इनको केक देने आया था। कौन था वो लड़का? वो तो पता ही नहीं मैम जी, मैंने उसको घर के बाहर ही देखा था। उसने किसी फूड डिलीवरी ऐप का टी-शर्ट तो पहना होगा। नहीं मैम, वो नॉर्मल कपड़ों में ही था। क्या आप उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ मैम। हाँ सर, ऐसा ही दिखता था वो लड़का। शो मी। यस सर। पुलकित की मां और बेटी से बात करो, शायद वो इस लड़के को पहचानते हो। वैसे सर शांति का बेटा भी डिलीवरी बॉय है। कौन शांति? पुलकित के घर में काम करती थी, 15-20 दिन पहले उसने अचानक से ही उनका काम छोड़ दिया। तो क्या शांति का बेटा ऐसे दिखता है? शांति के बेटे को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो डिलीवरी बॉय है। शांति और इसके बेटे दोनों का पता करो, लेके आओ दोनों का। सर Hi, I'm Nigar. Born and brought up in Saudi Arabia. I love Bollywood movies. Very good improvement, Alia. Wow. ये अरविंद चरण है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में जॉब करता है। हमने इसका इंटरनेट डाटा चेक करा, अरेबियन कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। अब तुम्हें इसे पटाना है, इसके बारे में हर छोटी से छोटी बात जो हमारे काम की है वो तुम्हें पता करनी है। तो सबसे पहले मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपना मिशन शुरू कर दिया। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आलिया,
तभी आदमी फंसेगा। आ रहा हूं। सर, सर शांति को ले आए, लेकिन उसके बेटे का चेहरा इस स्केच से नहीं मिलता। लेकिन इसका बेटा डिलीवरी बॉय तो है, पता करो कहीं उसका कोई दोस्त दोस्त तो नहीं। सर, साहब आपका है हमारा और हमारे बचुआ के पीछे पड़े। 15 दिन हो गया उनका काम छोड़े हुए, तब से पुलकित साहब के घर नहीं गए। हम कैसे उनका जहर दे सकता नहीं। तुमने उनके घर से काम अचानक क्यों छोड़ा? तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी थी उनको। ना साहब, हम तो अपन तनख्वाह मांगने गए थे। 4 महीने से आजकल में टहला रहे थे ये गाड़ी घोड़ा वाला लोग। तो उनके मर्डर के बाद उनकी गाड़ी भी उठवा ली तुमने? नहीं साहब, हम काहे करेंगे ऐसा। असली दुश्मन तो उनका घरवा में है। कौन दुश्मन? पुलकित साहब की बिटिया सर, हंसिका। वो अपने भाई और अपने माँ बाप को मरवाएगी? क्यों? बाप हंसिका से बहुत परेशान था, चली गई थी कमाने के लिए, और दूसरा जात का लड़का से उसका चक्कर भी चल रहा है। मेरी बेटी के आसपास भी फटका ना तो ऐसा गायब करूंगा ना, तुझे याद रखियो। बचपन दोस्त है ये मेरा, आप इसके ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो काट के फेंक दूंगा मैं, तो चल भी इधर। हंसी का अपने पापा को समझाओ ना, आप हर बार अपनी जिद पकड़ के नहीं बैठ सकती। चुप रहो, चुप रहो, अंदर चलते छोरी है अपनी। समझ ले, तू मरना। हाथ कैसे लगाया हंसिका को? सुन बे, मेरा हाथ पकड़ेगा तू, उसका आशिक तो अगला दिन ही उसको भगा के ले गया। हमको तो लग रहा है ब्याह भी कर लिया है, और ये लोग सबको बताते फिर रहे हैं कि हंसिका रहने लग गई है। इस शांति का बयान कंफर्म करो, और ये पुलकित की कार ट्रेस हुई? सर वो कार आगे के फुटेज में दिखी थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। आप उस नौकरानी की कहीं पे भरोसा कर रहे हैं? अरे एक नंबर की छुट्टी है वो, बोला हम क्यों रोकेंगे उसकी तनख्वाह। हमारे बेटे के पास पैसे की कमी ना थी। अंश के जन्मदिन के एक दिन पहले हमारे बेटे ने हमारे अकाउंट में 6 लाख जमा किए थे। हंसिका तुमने भी सच नहीं बोला हमसे। तुम अंश के बर्थडे के एक दिन पहले ही अंबाला आ गए थे, और तब से तुम्हारा फोन अंबाला में ही एक्टिव है। निकल के जाती ना तुम? सर मैं आना चाहती थी, पर क्या निकल के साथ मिलकर तुमने पे? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पापा मुझसे गुस्सा थे। उन्हें ना मेरा मुंबई में काम करना पसंद था, ना ही निकल। सर इसके लिए मैं अपने माँ बाप को तो नहीं मार दूंगी ना। सर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हंसिका की फैमिली इस प्यार के खिलाफ थी, और इसी वजह से तूने उसकी फैमिली को रास्ते से हटाया है। नहीं सर, सर हंसिका के पापा ही गुस्सैल थे। हंसिका की मम्मी और अंश को हम लोग की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर मैं ऐसा क्यों करूँगा? निगाह, आई एम रियली सरप्राइज, तुम हिंदी भी जानती हो? थोड़ा थोड़ा, मुझे इसलिए हिंदी सीखा बिकॉज आई लव हिंदी मूवीज। खुद को गल्फ कंट्री का बताकर बना तो नहीं रही? वेरी स्मार्ट, तो दास्ता दूर ही छोड़ देते हैं। बाय। दास्ता दूरी नहीं, दास्ता अधूरी होता है। वैसे यू कैन शेयर योर पर्सनल नंबर इस दास्ता को पूरी करने के लिए। नंबर तो गल्फ कंट्री का ही है, कैन आई कॉल यू? नॉट नाउ, बट हम मैसेजिंग ऐप पर चैट कर सकते हैं। थैंक यू।
सर, निखिल के CDR में सुशांत का नंबर मिला है। ये उसकी कॉल रिकॉर्ड है और ये उसका फोटो। इसका हुलिया उस स्केच वाले बंदे से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये निखिल और हंसिका से झूठ बोल रहे थे। इस लड़के को लेके आओ। मैं तो सोच रही थी कि पुलकित तेरे से इसलिए नाराज है कि तू चली गई थी, पर तूने मुझे ये ना बताया कि तू उस लड़के के साथ। दादी, निखिल बहुत अच्छा लड़का है। झूठ बोला तूने मुझसे। अंश के जन्मदिन से एक दिन पहले ही तो यहाँ। सच सच बता, कहीं तूने तो नहीं। दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगी? सर, मैं मानता हूँ वो केक मैंने पहुँचाया था, लेकिन मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया था सर। हंसिका ने वो केक खुद मुझे दिया था ताकि मैं वो घर पर भिजवा सकूँ। सुशांत, मैं घर नहीं जा सकती, लेकिन अंश के बर्थडे के लिए ये गिफ्ट देना था, तो दे आएगा प्लीज? थैंक यू। सर, मुझे नहीं मालूम था कि हंसिका मुझे फंसा देगी, और मैं नहीं जानता कि उसने केक में क्या मिलाया था सर। मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए। हंसिका कहाँ है? अंदर। सर ये देखिए। दादी, मैंने सोचा नहीं था कि पुलिस की तरह आप भी मुझ पे शक करेंगी। मैं पापा, मम्मी और अंश से बहुत प्यार करती हूँ। अब मेरे पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा, और इस सब का जिम्मेदार वो गुलशन है, सिर्फ गुलशन। कमला जी, ये सब कैसे हुआ? और ये गुलशन कौन है? गुलशन, इस नोट में लिखा है कि सब कुछ गुलशन की वजह से हुआ। कौन है ये? मैं गुलशन को ना जानू, सारी गलती मारी है। मैंने इस पे शक किया और ये टूट गई। अब मेरा कोई ना बचा, मैं भी मर जाऊंगी। सर, मैं मानता हूँ मैंने और हंसिका ने सुशांत को वो केक पहुँचाने बोला था, पर सर हमने उसमें कीटनाशक नहीं मिलाया था। ये कल्याण तो तेरे घर वालों के पास भी है, तूने नहीं किया तो क्या सुशांत ने किया? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, ये गेम पक्का उस गुलशन का होगा। कौन गुलशन? और ऐसा क्या हुआ था? पता नहीं सर। सर, वो गुलशन हंसिका का एक्स था, और हंसिका ने बताया था वो जैसी मुंबई से अंबाला आई थी, गुलशन ने सीधा उसको किडनैप कर लिया था। सर, ये हंसिका के फ़ोन में गुलशन के नाम से एक नंबर सेव है। मैं इस नंबर पे काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नंबर बंद आ रहा है। लेकिन इसकी मैसेज हिस्ट्री देखिए। मेरी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी हंसिका, तुम्हारे फोटोज वीडियोज हैं मेरे पास। टाटी, इस गुलशन की पूरी हिस्ट्री निकालो। हरियाणा में, हरियाणा के आसपास के जिलों में जिन जिन स्टोर में पेस्टिसाइड बेचा जाता है, सब जगह इंक्वायरी करो। ऐसे सभी लोगों की लिस्टिंग करो जो इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हैं, और ये भी पता करो उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका इस पुलकित की फैमिली से कनेक्शन है। सर, पुलकित की माँ ने हमें बताया था कि अंश के बर्थडे से पहले पुलकित ने उनके अकाउंट में 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। हाँ तो सर, लेकिन वो पैसे पुलकित के अकाउंट से नहीं, किसी नवजोत के अकाउंट से आए थे, वो भी चेक से। What? Yes, sir. सर, पुलकित की माँ ने कन्फर्म किया कि वो किसी नवजोत को नहीं जानती, और सर पुलकित ने उनसे इतना ही कहा था कि पैसे ट्रांसफर होने के बाद उनके फोन पे एक मैसेज आएगा, और वो आ गया। इस चेक डिटेल से पता करो ये नवजोत कौन है। यस सर। हेलो, कैसा हो? अरे कैसा हो नहीं, कैसे हो? अरे तू मेरी हिंदी साफ करती रहेगी तो फिर मैं तीसरी बात कब करेगी? अरे तीसरी बात नहीं होती, दूसरी बात होती है। वैसे कौन सी दूसरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? तुम जॉब क्या करती? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सैलरी कितना? तुम तो ऐसे इंक्वायरी कर रही हो जैसे मेरे साथ शादी करना चाहती हो। देखो, मैं पहले क्लियर कर दूं निकाल, मैं शादीशुदा हूँ।
नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। Do you want to sleep with me? सीमा को उल्लंघन नहीं करनी, हमसे फोन फ्रेंड्स, समझी? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो दिल पे ले गई। नवजोत मिल गया सर, और इसके पास पुलकित की कार है। सर मैं गड्डी चोरी नहीं की थी, पुलकित से उसकी कार खरीदी है। खरीदी है? वो कार उसके घर से तब गायब हुई जब पुलकित उसकी बीवी और उसके बच्चे की लाश उसके घर के अंदर पड़ी हुई थी। अभी अगर और झूठ बोला ना तो। सर मेरे को गड्डी दे ट्रांसफर पेपर है, 6 लाख दे के गड्डी खरीदी है, और पुलकित ने अपनी माँ दे नाते चेक बनवाया है। आलो पाजी, ताड़ा 6 लाख दा चेक। थैंक्स नवजोत, पर यारा गाड़ी ना 5-6 दिन बाद ही मिलेगी तुझे। वो चेक क्लियर हो जाएगा, तू टेंशन ना ले यार। बात वो नहीं है, एक्चुअली जो गाड़ी मैंने बुक कराई है ना, उसकी क्लियरेंस मिलने में 5-6 दिन लगेंगे, तो 4-5 दिन ये गाड़ी मैं यूज़ कर लेता हूँ। और सर उसने बोला कि वो गांव जा रहा है और गड्डी घर के बाहर खड़ी है, ले लेना। और मेरे को भी सारा दिन टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं गड्डी रात को लेने गया। सर मुझे सच में नहीं पता उस रात घर में क्या हुआ था। आजकल लोग अपने फ़ोन में कॉलर आईडी ऐप यूज़ करते हैं, और जब अनसेव नंबर से फ़ोन आता है तो वो उनके कॉलर आईडी पे डिस्प्ले हो जाता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कॉलर आईडी को भी हम उल्लू बना सकते हैं। वो कैसे? मैं अपने फ़ोन में एक नया सिम डालता हूँ, एक नया सिम अनसेव नंबर, इससे मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तुम्हारे पास वो सेम कॉलर आईडी है ना? देखा, ये कॉलर आईडी भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इनके पास तुम्हारा डाटा नहीं है। अब इस नंबर को तुम क्राइम ब्रांच गुरुग्राम नाम से सेव कर लो, और जब तुम इसे किसी और कॉलर आईडी के ऊपर कॉल करोगे तो देखते हैं क्या आता है। अब मैं इसी नंबर से आलिया को कॉल करता हूँ। क्या मुझे क्राइम ब्रांच से कॉल आया? देखा, अब इसी टैक्टिक्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, निगार का बोर्डिंग पास बन चुका है। चल निगार, अब तुझे अपने अरविंद से मिलने के लिए सऊदी अरेबिया से गुरुग्राम जाना होगा। सर अकॉर्डिंग टू द पेपर, पुलकित ने अपनी कार नवजोत के नाम ट्रांसफर की है। राठी, इन पेपर्स पे साइन जबरदस्ती भी तो लिए जा सकते हैं। हम इस नवजोत की बात पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते, और ये गुलशन भी तो गायब है, शायद उसका नवजोत से कनेक्शन है। सर फिलहाल तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, हालांकि मैंने गुलशन के बारे में भी इंक्वायरी की है सर। मनी लॉन्ड्री का काम करता है, कुछ दिन पहले अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर भी गया था, लेकिन बेल पे बाहर आ गया। उसका लुकआउट नोटिस जारी किया सर। सर नवजोत ने हमें बताया था कि पुलकित ने एक नई कार बुक की थी, तो क्रॉस चेक करने के लिए मैंने पुलकित के बैंक डिटेल चेक किए, तो पता चला कि उसके अकाउंट में सिर्फ 217 रुपये, और उसने कोई नई कार भी बुक नहीं की थी। What? हाँ सर, शायद उसके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, और साइबर सेल के पास जो हमने उनके मोबाइल भेजे थे, तो पुलकित के मोबाइल में कुछ एनक्रिप्टेड मैसेजेस मिले। मैं कमिंग सर। यस ओडा, प्लीज कम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या अपडेट? सर पुनीत गोयल को लोन्स के टेम्पटेशन में फंसाया गया, फ्रॉडस्टर्स की पूरी फौज लगी उसके पीछे। ये फ्रॉडस्टर्स है कहाँ से? क्या जमतारा से? नो सर, आजकल इनका नया ठिकाना है रेवात। सर पुलकित के फ़ोन में जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस थे उनका सोर्स भी रेवाती है, और सर पुलकित को ये हाइब्रिड लोन के मैसेज के थ्रू फंसाया गया। हाइब्रिड लोन? यस सर, हाइब्रिड लोन में होता क्या है कि जो लेंडर है वो बोरोवर को एक स्पेसिफिक अमाउंट की क्रेडिट लाइन देता है, और बोरोवर उस क्रेडिट लाइन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे यूज़ कर लेता है, ताकि वो ईएमआई की बजाय सिर्फ लोन के अमाउंट का इंटरेस्ट पे कर सके, और फिर 6 महीने बाद लोन अमाउंट को फुली पे करके लोन फोरक्लोज हो जाता है। लेकिन सर पुलकित को जो हाइब्रिड लोन का मैसेज दिया गया था वो फेक था। ये देखिए सर, इस तरह के हाइब्रिड लोन मॉडल पुलकित जैसे बिजनेसमैन को ज़्यादा सूट करते हैं। लेकिन मैसेज के लिंक पे क्लिक करते ही वो फंस गया। उसने टेम्पटेशन में अपना पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट सब उन चीटर्स की क्रिएट की गई फेक साइट पे अपलोड कर दिया। सर लोन तो उसको मिला नहीं, उल्टा उन फ्रॉडस्टर्स को उसके फ़ोन का एक्सेस मिल गया। बाद में पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उन्होंने उसी के नाम के 4 बैंक अकाउंट्स खोले,
और सर इसका एक्सेस सिर्फ उन क्रिमिनल्स के पास में था। लेकिन पुलकित के ओरिजिनल बैंक अकाउंट का पैसा गायब कैसे हुआ? सर वो पैसे गायब नहीं हुए थे, वो उन्हीं चार अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गए जो इन फ्रॉडस्टर्स ने खुलवाए थे। लेकिन कैसे? कहना मुश्किल है सर, इन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना भी मुश्किल है। पर सर हमने पुलकित के फ़ोन के डिलीटेड डेटा को रिट्रीव किया है और सर पुलकित के CDR में हमें 5 कॉन्टैक्ट्स मिले हैं जो इन फ्रॉडस्टर्स के ही होंगे। इनका रीजन भी रेवाती है सर, देखें। तो क्या रेवात रीजन में रेड करके इन फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा जा सकता है? सर हर स्टेट की पुलिस कई बार रेड कर चुकी है लेकिन कोई फायदा नहीं। पुलकित के नाम से 4 बैंक अकाउंट खुले गए थे, उनके जरिए कोई लीड? सर वो अकाउंट सब खाली हो चुके हैं, ऑपरेशनल भी नहीं है। हाँ सर, पर एक ग्रुप है जो कंटिन्यूसली फेक अकाउंट्स बना रहा है और बाद में इन बैंक अकाउंट्स की नीलामी की जाती है। व्हाट? बैंक अकाउंट की नीलामी? सारे भाई के पास है ना 25 नाम से 106 बैंक अकाउंट है। पहले 25 अकाउंट की नीलामी का बेसिक प्राइस है 1,00,000। लगा बोली। 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, और कोई? 5,00,000। वाह। और 6,00,000, 7,00,000, 8,00,000, 9,00,000, 10,00,000, 10,00,000 एक, 10,00,000 दो, 10,00,000 तीन। तो ये 25 अकाउंट हुए खुर्शीद के। भाई इसमें पासबुक, क्रेडिट कार्ड और यो चेकबुक, और इसमें बैंक अकाउंट से लिंक रजिस्टर मोबाइल नंबर फेक की सिम के साथ। तो ये लोग इन बैंक अकाउंट्स में फ्रॉड से बनाया हुआ पैसा जमा करके उस पैसे को इधर से उधर घुमाते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम मर्डर केस समझ रहे थे वो दरअसल सुसाइड हो सकता है कि फैमिली ने फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते सुसाइड किया। राठी, भले ही पुलकित के साथ फ्रॉड हुआ था लेकिन उसका अंबाला में जो घर है वो 80,00,000 के ऊपर का है और गाँव में उसकी लाखों की जमीन है। फ्रॉड हुआ था पर ये पुलकित कंगाल तो नहीं हुआ था ना, और ये गुलशन ये भी तो गायब है। 25 नए बैंक अकाउंट आए हैं हमारे पास और आज का टारगेट पूरा करके ही आना, और जमाल इनके खाने पीने का ध्यान रखना। हो जाएगा। निगार तुम इंडिया आ रही हो? कर देना हराम। अरे हराम नहीं, हैरान। आज रात भी बोर्ड कर रही हो? कल की प्रभात आपके साथ मजा आएगा। फोन फ्रेंड होंगे जब आमने सामने, सीमा उल्लंघन हो गई तो? नो सरारत, सी यू टुमारो, बाय। डन सर। अब आलिया और अरविंद के रिकॉर्डेड कॉल से अरविंद की वॉइस सैंपल कलेक्ट करके मैंने AI टेक्नोलॉजी से वॉइस कोनिंग की तैयारी कर ली है। अब टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के जरिए अब जो भी टाइप करेंगे वो अरविंद के आवाज़ में सुनाई देगा। अच्छा ये टाइप करो, रीमा मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अब सुनो रीमा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। क्या मैच कर रही है अरविंद की आवाज? हाँ सर, 100%। पिछले 1 साल में रेवात रीजन से हुए फोन कॉल से तकरीबन 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। सर जब से मेरे भतीजे ने मेरे मोबाइल में गेम खेलना शुरू किया है ना, तब से मुझे फेक कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं मेरे फोन में। ये काफी कॉमन है, साइबर टीम के पास ऐसे फेक नंबर्स की बहुत बड़ी लिस्ट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इन कॉलर्स की फोन लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, शायद ये लोग ट्रेवल करते हुए बात करते हैं। इनकी फोन लोकेशन रेवात रीजन से पंजाब बॉर्डर की तरफ मूव करती है और फिर घूम फिर के रेवात रीजन में आ जाती है। मतलब फ्रॉड ऑन द रन? यस, एक चांस ले सकते हैं। ये लोग अगर ग्रुप में ट्रेवल करते हैं तो किसी ना किसी ढाबे पे खाना खाने के लिए एक साथ रुकते होंगे। रेवात के आसपास जितने भी ढाबे हैं सब पे नजर रखो और टीम को बोलो कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुरंत इन्फॉर्म करें। यस सर। रणदीप तुम रुको। ऐसा हो, तुमने अभी कहा कि तुम्हारे फोन पे कुछ फेक मैसेज आते हैं, वो मैसेज दिखाना जरा।
सर। इस फोन में तुम्हारी जितनी भी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर करो और इस मैसेज लिंक पे क्लिक करो। नाश्ता रेडी है जी? नहीं नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा। यस निकल, आ गई तुम इंडिया? अरविंद, एयरपोर्ट के बाहर मेरा सामान और पर्स चोरी हो गई। क्या? अब मैं होटल में चेक इन नहीं कर सकती। तुम अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हारे घर आ जाती। मरवाओगी क्या? मेरी बीवी घर पे है। परंतु मैं किधर जाऊँ? तुम्हारे अलावा मैं इंडिया में किसी को नहीं जानता। I'm sorry, निगार, पर मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुला सकता। अरे चमन, तुम्हें कहा मैं ऑफिस आके बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऑफिस आके बात कर रहा हूँ, रखो। मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा। चालीस थाली पैक कर दो। चलो चलो, जल्दी चलो, बैग का पीछा करो। अरे रुको 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 रुको, पॉसिबल है ये खाना उन स्कैम करने वाले लोगों के लिए हो। तुम अपनी नजर गड़ा के रखो, हो सकता है कि वो दोबारा है। सर जैसा आपने कहा था सर, मैंने उस लोन वाले मैसेज लिंक को ओपन करके सर खुद को डायमंड मर्चेंट बता के सर उनके वेबसाइट पे अपनी सारी फर्जी डिटेल डाली। सर उसके थोड़ी देर बाद मेरे सोशल मीडिया पर सर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। देखो, एक्सेप्ट करो उसको। हेलो अरविंद शरण जी, निगार नाम की एक सऊदी अरेबिया की लड़की ने तेरे नाम पे कंप्लेंट कराई है। तने फ्रेंडशिप के चक्कर में इसे इंडिया बुला लिया और जिस लड़के को तने पिक करने भेजा वो इसका सामान लेके भाग लिया। नहीं सर, चुप। अब विदेशी मेहमानों के साथ ये धोखाधड़ी करोगे तुम लोग? सर वो मेरी दोस्त है, वो मैं उसकी एयरपोर्ट पे हेल्प नहीं कर पाया इसलिए मैं गुस्से में कुछ भी बोल रही। सर अरे एड्रेस बोल अपना, तेरे घर आता हूँ उसको लेकर के। नहीं सर, मैं एड्रेस नहीं दिया तो हम निकलवा भी सकते हैं। और ये बोल रही है कि पूरे 5 लाख का सामान चोरी हुआ है और तूने शादीशुदा होकर इसको चीटिंग करी है। सर मैं भी आपकी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अरे FIR लिखी जा चुकी है और लड़की ना मानी तो ये जुगाड़ 10 लाख का पड़ेगा। हेलो रीमा, अरविंद बोल रहा हूँ। ये किस नंबर से कॉल कर रहे हो? मेरी कार से एक बाइकर टकरा गया, मेरा फोन भी डैमेज हो गया। मैंने एक आदमी का फोन मांग के तुम्हें कॉल किया है और इंजर्ड आदमी को मैंने हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है। बस उसके इलाज के लिए मुझे 50,000 चाहिए। तुम मुझे 50,000 ट्रांसफर कर दो। हाँ हाँ, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ तुम्हारे अकाउंट में। मेरे अकाउंट में मत डालो। मेरा फोन तो डैमेज हो चुका है ना, और नेट बैंकिंग भी नहीं कर सकता मैं। तो पैसा कहाँ भेजूँ? जिस आदमी के फोन से कॉल कर रहा हूँ उसका UPID लिखो। हाँ हाँ, एक मिनट। HTKT@8796285097 हाँ हाँ, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। हाँ we
पकड़ो इन्हें, पकड़ो। मिले भाग्य साले। सर वो लोग तो भाग गए लेकिन उनकी बस और ये सामान जब्त कर लिया। वो वहां से रिवाद भागे होंगे। पता करो बस किसके नाम है। परूडा। यस सर। ये जो सामान जब्त हुआ है क्या इनसे उनका कोई क्लू मिल सकता है? काफी मटेरियल्स हैं सर, सब कुछ स्टडी करता है। मेक इट फास्ट। यस सर। आई वांट रिजल्ट्स। यस सर। जल्दी आओ। किसने किया ये सब? बुझाओ आग, बुझाओ आग, बुझाओ। इंस्पेक्टर जो हमारा था हम ले गए, अब तू अपनी खोपे को जा और इस चिट्ठी की पत्ती बना के अपने। अब ये लोग बर्दाश्त के बाहर हो गए। उन क्रिमिनल्स की बस नारायण के नाम रजिस्टर्ड है और नारायण को मरे हुए 3 साल हो गए। क्या बहुत शातिर हैं ये लोग, बस के आरटीओ पेपर्स भी फेक आईडी पे बनवा लिए। सर, सर इन फ्रॉसर के पास पुलकित के फोन का एक्सेस था। उन्होंने उसकी बेटी और बीवी की फोटो को न्यूड मॉर्फ करके सर से ब्लैकमेल किया होगा। देखिए सर, पुलकित को धमकी दी गई होगी कि वो उसकी बीवी और बेटी की फोटोज वायरल कर देंगे। इसी वजह से पुलकित उन्हें अपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट से क्रिमिनल्स के द्वारा क्रिएट किए गए उसके फेक बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए होंगे। हंसिका को गुलशन भी ब्लैकमेल के मैसेज भेज रहा था। सर गुलशन की प्रोफाइल इन फ्रॉडस्टर से मैच नहीं हो रही है, लेकिन ये लोग रोज अलग अलग टेक्निक से फ्रॉड कर रहे हैं। अभी गुरुग्राम के अरविंद शरण नाम के आदमी के साथ बड़े अजीब ढंग से फ्रॉड हुआ, जहाँ पे एक लड़की ने पहले निगार नाम से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और एट द एंड उसे ब्लैकमेल करके उससे 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। ये जुगाड़ 10 लाख का पड़ेगा। और सर अरविंद शरण की बीवी के साथ भी 50,000 रुपए का वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड हुआ है। वॉइस क्लोनिंग? सर वॉइस क्लोनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से होता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैंक वीडियोस बनाने के काम आता है। जैसे कि जो नोन एक्टर्स हैं जिनके वॉइस सैंपल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, उनकी आवाज़ को टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं वो एज अ स्पीच हमको सुनाई देता है। लेकिन वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड में ये लोग टारगेटेड विक्टम्स को पहले फ़ोन करते हैं और उसकी जो कॉल होती है वो पूरी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उस कॉल के जरिए उनकी आवाज़ को क्लोन करके वो उनके रिलेटिव्स को कॉल करके उन्हें चीट करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। सर इनके क्राइम करने का तरीका डे बाई डे एडवांस होता जा रहा है। सर इस लड़की ने चैटिंग के दौरान मुझे झांसा दिया कि इसके पास कुछ रफ स्टोन्स डायमंड्स हैं जिन्हें बेचना चाहती है। सर ये तो वही लड़की है जिसने अरविंद शरण को चीट किया था। आर यू श्योर? यस सर आई एम श्योर। मतलब हमारा हंच बिल्कुल सही जा रहा है। रणदीप एक काम करो, तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम वो रफ डायमंड खरीदने में इंटरेस्टेड हो। डायमंड लाई हो ना? बचाओ! बचाओ! ए, क्या कर रही हो? बचाओ! क्या हीरो बना लड़की के साथ? जबरदस्ती कर रहा है, चल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल। हीरो बनेगा क्या लड़की के सामने? हाँ जबरदस्ती कर रहा, निकल बाहर, निकल। कौन हो तुम? क्या क्या कर रहा था मैंने आपसे? सर यहाँ से मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अरे यार तुम लोग क्या? आलिया और उन लड़कों की गिरफ्तारी के बाद हमने रेवात में कई जगह छापेमारी की, लेकिन मास्टरमाइंड खुर्शीद और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कई बड़े क्रिमिनल्स आज भी फरार हैं। लेकिन हमने गुलशन को गिरफ्तार किया, उसने पैसों के लेन देन के झगड़े में हंसिका का किया था जो कि हंसिका की आत्महत्या का मुख्य कारण था। अपनी इंक्वायरी में हमें यह भी पता चला कि केक में मिला वो पेस्टिसाइड पुलकित ने रोहतक के एक स्टोर से खरीदा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने फ्रॉडस्टर्स की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या की होगी। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती। आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड की ऐसी कई घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सतर्क रहें और ऐसे फ्रॉडस्टर्स के झांसे में ना आए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.